आगा साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, आई थिंक इट वॉज 1977 एंड दैट्स द टाइम आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. हालांकि माय फैमिली मेंबर्स वर वर्किंग फॉर द यूनाइटेड बैंक, तो उनकी जाहिर इंटरेक्शन से था. उसके बाद से फिर ये था कि जाहिर उस मुलाकात हुई, इंटरव्यू हुआ था, उसमें सिलेक्शन हो गया एंड आई स्टार्ट वर्किंग. देन आई वॉज नॉट इन टच विद हिम ऑन अ रेगुलर बेसिस. Only during the 19, I think it was 1980 that I had an extended meeting with him. क्योंकि उस ज़माने में वो हमारी annual conference में वो आए थे. क्योंकि मेरी services जो थी वो deputation पे चली गई थी National Bank of Oman में, जिसका कि 20% holding थी BCCI के पास और the 20% Bank of America की थी. And BCCI had the management of the bank. लेकिन उसके बाद के सालों में उनसे मेरी मुलाकात अक्सर होती थी और साल में दो जो मुलाकातें होती थी वो बहुत एक्सटेंडेड होती थी, यूज टू लास्ट सेवरल आवर्स. क्योंकि 83 से लेके और 88 के एंड तक, मैं 89 की शुरू तक बल्कि, आई वाज इन द इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ बीसीसीआई. तो वो उस दौरान में ये भी होता था कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर्स जो हायर किए जाते थे, जब उनका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाता था तो फाइनल इंटरव्यू लड़के का आगा साहब खुद करते थे और वो एक तवील पीरियड होता था, उसमें बैठना पड़ता था उनके साथ. और उसके बाद सिलेक्शन के नेक्स्ट डे फिर वो उन लड़कों से जो सेलेक्ट किए गए थे उनसे फिर उनकी एक एक्सटेंडेड मीटिंग होती दैट यूज्ड टू लास्ट 3 to 4 hours. तो उसमें उनकी जो शख्सियत थी वो बहुत खुल के सामने आती थी. एक बैच के साथ उनकी एक्चुअली उनका प्राइवेट प्लेन था, तो वो प्रोग्राम ये था कि वो 2 बजे आएंगे और वो तकरीबन 1 घंटा गुजारेंगे क्योंकि उनको जल्दी जाना था, उनकी वो एयर कॉरिडोर वगैरह बुक हो चुका था जहाज़ का. लेकिन जब वो आए वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ कुछ लड़कों ने उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनका ताल्लुक उनकी ज़िंदगी से था, पिछले दौर से. तो वो जो मीटिंग थी वो फिर बहुत तवील हो गई और वो फिर वो कॉरिडोर कैंसिल किया गया और दूसरा कॉरिडोर लिया गया हवाई जहाज़ के लिए. And he stayed there for about 4 hours. और उसमें उन्होंने वो सब कुछ बताया कि किस तरह उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री ली इंग्लिश में, फिर किस तरह वो अपने वालदान के कहने पे और नवाब साहब महमूदाबाद की हेल्प से वो हबीब बैंक पे बैंकिंग में उनका करियर स्टार्ट हुआ, और शुरू के दिन उन्होंने बम्बई में किस तरह मुश्किल के गुजारे. फिर वो दौर आया कि वो प्रमोट हो गए, मैनेजर हो गए, और फिर वो दिल्ली में थे और दिल्ली में रोज़ सुबह वो ब्रांच मैनेजर बन चुके थे उस वक्त तक. तो उनकी ब्रांच में मुस्लिम लीग का अकाउंट था, तो वो रोज़ाना सुबह सबसे पहले उठ के तैयार होकर घर से कायदे अज़म के यहाँ जाते थे और कायदे अज़म ख़ुद उनको सारा फंड हैंड ओवर करते थे जो मुस्लिम लीग का आया होता था, एक एक पाई गिन के. और वो फ़ौरन जाके उसको ब्रांच में पहुँचने के बाद पहला काम ही होता था कि उसको मुस्लिम लीग के फंड में जमा करें. और फिर वो दौर आया कि पाकिस्तान बना और वो पाकिस्तान आए. फिर आप पता है कि जिस कस्मी में सब लोग पहुंचे थे पाकिस्तान और जिन मुश्किल हालात में हबीब बैंक के नेटवर्क को पाकिस्तान में बनाया गया, आगा साहब ने उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम किया. उस दौर का उन्होंने ये तक बताया था कि रावलपिंडी में ब्रांच खोली गई, तो उस वक्त बिल्डिंगें तो बनाने की गुंजाइश थी नहीं, तो एक पुरानी दुकान में हबीब बैंक की पहली ब्रांच बनाई गई थी. और उस ब्रांच को बनाने के बाद उन्होंने वो सारे किस्से सुनाए कि उस ज़माने में ईमानदारी और शराफत का ये लेवल था कि वो तांगे में बैठ के सरप्लस कैश स्टेट बैंक के रिजर्व में जमा कराते थे या ज़रूरत पड़ने पे कैश वहाँ से तांगे में बैठ के लाया करते थे, कोई गार्ड साथ नहीं होता, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती थी. फिर उन्होंने उस दौर की बात की जब वो खानेवाल में मेन ब्रांच के मैनेजर थे और जहाँ उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट के लिए उनके पास एक रेले साइकिल हुआ करती थी और वो गर्मी पड़ती थी और किस तरह अपने कमरे को ठंडा करते थे क्योंकि एयर कंडीशनर का तसव्वुर उस ज़माने में नहीं था. तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने बेडरूम में ज़मीन पे रेत बिछवाई थी और मैं उस पर पानी डाल के जाया करता था, गीला करके उसको बिल्कुल, और हल्का सा पंखा चला के. तो उससे ही फ़ायदा होता था कि शाम को जब मैं घर आया करता था तो कमरा बिल्कुल ठंडा होता था. दैट इज़ हाउ ही यूज्ड एयर कंडीशन हिज बेडरूम. एंड देन ऑफ कोर्स बहुत सी और उन्होंने किस्से सुनाए जहाँ मतलब एक किस्सा था कि वो बाद में रीजनल मैनेजर हो गए थे, तो वो बलूचिस्तान की ब्रांचेस का इंस्पेक्शन करके वापस आ रहे थे, तो रेलगाड़ी हुआ करती थी उस ज़माने में,
तो रेलगाड़ी अचानक किसी ऐसे स्टेशन पर रुकी जहाँ नॉर्मली नहीं रुकती थी। तो अर्ली मॉर्निंग वक्त था, तो वो उसका गाड़ी का डब्बे की खिड़की का उन्होंने वो शटर ऊपर किया और वो देख रहे थे कि ये क्या जगह है। तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा भीख मांग रहा था। तो उन्होंने अपने कॉलीग से ये कहा कि अगर आज मैं इस बच्चे को यहाँ से अपने साथ ले जाऊँ तो न सिर्फ मैं इस बच्चे की ज़िंदगी का रुख मोड़ दूंगा बल्कि इसकी आने वाली नस्लों का रुख भी मोड़ दूंगा। और ये चीज़ फिर उन्होंने साबित करके दिखाई, क्योंकि आगा साहब की जो सोच थी उसका महवर जो जिसके अराउंड उस रोटेट करती थी सोच, वो एक ही थी कि मुझे गुर्बत मिटानी है। और उसको उस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। यानी BCCI जब आखिरी दिनों में उस वक्त तक टिल BCCI डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सर्फेस, उस वक्त तक BCCI ने छोटे छोटे मुल्कों 17 मुल्कों के वर्ल्ड बैंक के लोन्स रीपे करा दिए थे और सॉफ्ट टर्म पे लेंडिंग कर दी थी। ये वो चीज़ें थी जिन्होंने BCCI की ख़त्म होने में बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद आप देखा कि उन्होंने कितने मुल्कों में हॉस्पिटल्स खरीदे थे और हॉस्पिटल्स में एक ख़ास रेशो में ऐसे लोगों का इलाज किया जाता था जो एक पाई नहीं दे सकते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे एक कॉलीग थे कैल्टेक्स ऑयल कंपनी में, जिनकी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी बहुत सीरियस, और पाकिस्तान में उनका इलाज जो था वो मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं इसको कर नहीं सकता, क्या कोई सूरत है कि तुम मेरे इलाज का कोई इंतजाम करो। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने फ़ौरन एक टेलेक्स उस जमाने में हुआ करते थे, इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो मैंने प्रेजिडेंट हाउस भेजा था कि ये पर्टिकुलर हैं उनके और ये उनके मसाइल हैं और मेरी ख्वाहिश ये है कि इनको हेल्प किया जाए। तो सिर्फ वहाँ से एक क्वेरी आई थी कि वहाँ एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से आप ये कंफर्म करके बताएं कि क्या ये ट्रीटमेंट कराची में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये बाहर ले जाना पड़ेगा। तो वो बोर्ड हमने कन्वीन कराया और उसमें डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता, इनका ऑपरेशन जो है वो लंदन में होगा। तो लंदन में BCCI के पास एक हॉस्पिटल अपना मौजूद था। दैट जेंटलमैन टोल्ड मी दैट ही हैड 50,000 rupees, दैट वाज ऑल। तो मैंने ये मैसेज भेजा तो आगा साहब के ऑफिस से मैसेज आया था कि उनसे कहिए 50,000 rupees संभाल के रखे, उनको उसके बाद में ज़रूरत होगी। उनका कराची से ले जाया जाना, उनका हॉस्पिटलाइजेशन, उनका ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन जो उनको रेस्ट चाहिए पीरियड था वो सारा कंप्लीट कर, दैट वाज ऑल फाइनेंस्ड बाय BCCI। और ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जहां जिन लोगों से कोई ताल्लुक BCCI का नहीं है या उनसे कोई गेन BCCI को नहीं हो सकता, BCCI उनको असिस्ट करती थी। तो आगा साहब ने मतलब ऐसी ऐसी मिसालें हैं उनकी इंसान दोस्ती की। एक छोटा सा वाक्य मुझे और याद आ रहा है कि आगा साहब की डेस्क को अपराइट रखने के लिए, मैनेज करने के लिए एक ऑफिसर होता था। तो ऑफिसर रिप्लेस हुआ क्योंकि आगा साहब किसी एक शख्स को कहीं बांध के नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो उसके करियर में रास्ता में रुकावट नहीं बनना चाहते थे। तो वो ऑफिसर जो था उन्होंने कहा कि अब ये मैच्योर हो गया है, ही हैज टू गो बैक टू इंटर बैंकिंग सर्विस। तो एक नया ऑफिसर रखा गया, उसका रिक्रूटमेंट हुआ, वो एक अंग्रेज यंग लड़का था और फाइनली ही वॉज सेलेक्टेड। तो जिस दिन उसको पहले दिन काम शुरू करना था आगा साहब की डेस्क के ऊपर, तो उससे पहले उसे बता दिया गया था कि भाई आगा साहब कितने मेटिकुलस आदमी हैं, हाउ वुड ही एक्सपेक्ट यू टू कंडक्ट योरसेल्फ। तो लड़का सुबह पहुंचा लंदन ऑफिस में हमारे, तो शायद वो 10 मिनट देर से पहुंचा था किसी वजह से। तो उस वक्त जब वो एंटर हुआ है मेन लॉबी में जहाँ लिफ्ट लगी हुई थी, तो वहाँ वो लिफ्ट में अकेला था और जैसे ही वो दाखिल हुआ तो पीछे एक साहब और उस लिफ्ट में आ गए जो बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड थे। तो लड़का थोड़ा सा नर्वस था कि आज पहला दिन है और आगा साहब पुताली ही मशहूर था कि भाई कितने मेटिकुलस आदमी हैं। तो उस लड़के ने उन साहब से पूछा, उन साहब ने उस लड़के से पूछा कि आप यहाँ काम करते हैं? तो उस लड़के ने कहा नहीं, ये आज मेरी नौकरी का पहला दिन है और मैं बहुत कंसर्न हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू सर्व द प्रेजिडेंट ऑफ द बैंक एंड आई हियर ही इज़ अ वेरी मेटिकुलस पर्सन। तो उस लड़के ने फिर इन साहब से पूछा एम आई लुकिंग स्मार्ट? तो उन साहब ने उस लड़के की टाई की नॉट दुरुस्त की और उसे कहा यू लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड आई कैन टेल यू द प्रेजिडेंट ऑफ द बैंक इज गोइंग टू लाइक सो रेस्ट अश्योर। उसके बाद वो चौथे फ्लोर आए, आगा साहब
फ्लोर से पे उतरे हो, अपने डेस्क की तरफ चले गए, वो लड़का एचआरडी की तरफ गया। उसके बाद वो पहुंचा वहां तो पहले यही कहा गया कि भाई आप 10 मिनट देर से पहुंचे हैं, एनी वे ही अपोलोजाइज। देन एक गाइडिंग ऑफिसर एचआरडी से उनको लेके आ रहा था आगा साहब की डेस्क पे कि आगा साहब को इंट्रोड्यूस कराया जाए कि कल से ही आपको डेस्क का आपको टेक ओवर करेंगे, मैनेज करेंगे। तो थोड़े से फासले पे उसने देखा कि वहाँ वही साहब बैठे हैं जो लिफ्ट में मिले थे। तो उस लड़के ने कहा, इज ही द प्रेजिडेंट? यस ही इज द प्रेजिडेंट। ही सेड आई मेट हिम इन द लिफ्ट, ही इज सच अ फाइन जेंटलमैन, यू नो ही फिक्स्ड माय नॉट। जब वो करीब पहुंचे हैं तो आगा साहब ने दूर से देखते ही उस एचआरडी के ऑफिसर से कहा, हाँ हाँ भाई इनसे हमारी मुलाकात हो चुकी है, अभी हम लिफ्ट में मिले थे। नहीं ऐसा नहीं था, कॉन्फ्रेंस में दोनों चीज़ें होती थी। कॉन्फ्रेंस में हर मेजर ऑपरेशन अपना परफॉर्मेंस का प्रेजेंटेशन देता था, जहाँ अपनी स्ट्रेंथ भी बताई जाती थी, जहाँ वीकनेसेस भी बताई जाती थी। और उस दौरान में जिस चीज़ को एम्फसाइज किया जाता था वो ये था कि BCCI इज़ अ बैंक विच इज़ नॉट देयर टू मेक जस्ट मनी। हमें किसी भी सूरत से इस चीज़ को मुमकिन बनाना है कि आम आदमी बिजनेस कर सके और वो गुर्बत के चुंगल से निकल सके। तो हर रीजन को ये अपने प्रेजेंटेशन में ये बताना होता था कि उन्होंने सोशल वर्क कितना किया, क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस BCCI में था, मैंने 40 साल नौकरी की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, BCCI के बंद होने के बाद मैंने ये सेंस कहीं नहीं देखा। तो वहाँ ये परफॉर्मेंस के साथ एक एलिमेंट ये होता था कि अच्छा आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिलसिले में आपने क्या किया। और जो गिविंग की कॉन्सेप्ट थी वो ये थी कि आगा साहब ने कहा था कि हम सब में ये एहसास पैदा होना चाहिए कि हम सबको अपने हिस्से का कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। बैंक तो करता ही है, बैंक के एम्प्लॉयज़ को भी कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा।